लड़ते हो, लड़ना चाहते हो और अपने वजूद के लिए लड़ना चाहते हो, आज सम्मान के लिए लड़ना चाहते हो, तो लड़ो और उस समय तक लड़ो जब तक जीत हासिल नहीं हो जाए। और जिस केस में सारा एविडेंस आपके पक्ष में है उस केस में लड़ने में कोई इतराज नहीं है। मैं आपकी इस एविडेंस के बल पर हम लोग बाध्य करेंगे आयोग को, आयोग बस कर दे या तो परीक्षा रद्द कर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंजीनियर सर्वेंद्र कुमार, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक बार फिर लेकर के आया हूं लेटेस्ट अपडेट 27 मार्च 2018 तक का बिहार दरोगा पेपर लीक मामले के बारे में। यहां पे जानेंगे क्या हुआ, रेड दायर हुआ या नहीं हुआ, क्या स्थिति बनी हुई उसके बारे में पूरा वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा सच। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस आंदोलन में जितने भी छात्र अपनी भागीदारी दी है अब तक और जिन छात्रों ने कोशिश की है इस संघर्ष को, आंदोलन को खड़ा करने में, उन तमाम छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जो जिस प्रकार से आज रिट दायर होना था हाई कोर्ट में, उसमें एक्चुअली में जितने एविडेंस थे हम लोगों के पास या रहमान सर के पास जितना एविडेंस था उस हिसाब से उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में कुछ टाइम लगा, कुछ वक्त लगा, जिसके कारण से आज ये रिट दायर नहीं हो पाया है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि कल ये रिट को दायर किया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे संविधान में यह मौलिक अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू, आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट दायर कर सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट की बात करें यदि तो आर्टिकल जो 226 जो आर्टिकल 226 के तहत हम लोग रिट दायर कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में किसी मुद्दे के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यदि यह फैसला हम लोगों के पक्ष में, छात्रों के हित में, आप तमाम साथियों के हित में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हित में नहीं आता है तो बिहार एक युवा प्रदेश है, पूरे देश में सबसे युवा प्रदेश है, यहाँ पे 65 से 66% युवा रहते हैं, और इन तमाम युवाओं के साथ यदि किसी प्रकार की धांधली होती है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो इस सरकार को गिराने का दम भी रखती है। इन युवाओं के पास इतना क्षमता है तो इस तरह से सरकार को चुनौती देनी पड़ेगी और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए इस वीडियो को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए इसको पूरा, क्योंकि रहमान सर का जो स्टैंड है उसमें देखिए आपने किस प्रकार से उन्होंने सारी बातों को रखा है, क्या स्थिति बनी हुई है। इस क्लिप के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सुधारना बिहार किसी की बात की पकौती नहीं है। कोई राजनीतिक दल का नेता चुन कर आता है तो वह भी अधिकार से चुनकर नहीं आता है, उसे हम चुनते हैं, पब्लिक चुनता है, पब्लिक चुनके उसके प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, विधायक बनाता है, एमपी बनाता है, मंत्री बनाता है। तो नेताओं के मंदिर भक्की में आने की आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रशासन के मंदिर भक्की में आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार है कि अगर हम लोग पर एक लाठी चलेगी अहिंसात्मक तो हम लोग उस लाठी का जवाब कलम से देंगे और बर्बाद कर देंगे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे डीजीपी स्तर का अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हम अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। और क्वेश्चन 5 मिनट पहले आयोग का रहा है कि 5 मिनट पहले ही आउट हुआ है, तो आउट हुआ है इसका मतलब आउट हुआ है, इसलिए इस आधार पर आय परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा रद्द होनी चाहिए। रही बात आप लोग के सहयोग की, तो धीरे धीरे ही सही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगी कि रीट हो जाने के बाद लड़के का नाम नहीं जुड़ता है, तो मैंने वकालत की है, कैसे की है मैं, लेकिन इतना तो अवश्य मैं जानता हूं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के नाम से केस होता है और अन्य जुड़ता है, जो पिटिशनर बनते जाते हैं, पिटिशनर चाहे तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पिटिशनर हो सकता है, वो पिटिशनर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले है कि रीट हो जाना चाहिए और रीट कल हो जाएगा, किसी हालत में हो जाएगा, वो टाइप हो रहा है, वो मोटा कागज हो गया है, दस्तावेज मोटा है, डॉक्यूमेंट मोटा है, एविडेंस मोटा है, वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है यह लड़ाई होगी। ये लड़ाई है हमारे वजूद की, यह लड़ाई है हमारे पेट की, यह लड़ाई है हमारे बिहार की गरिमा की, यह लड़ाई है हमारे आत्मसम्मान की, यह लड़ाई है हमारे गरीब अनाथ और आए बच्चों की, यह लड़ाई है हमारे सत्य और असत्य की। इस देश में रामन ना पूजा गया है ना पूजा जाएगा, इस देश में राम ही पूजा गया है, सत्यमेव जयते ही हमारा चरितार्थ वर्ड है और सत्यमेव जयते ही होगा। हो सकता है सरकार तिकड़म अपना है, हो सकता है आयोग तिकड़म अपना है, झुकना मत मेरे बेटो, मैं मरने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं और कल भी तैयार रहूंगा, लेकिन मैं जीते जी दूध के साथ मक्खी नहीं पीऊंगा। और ये 5 मिनट पहले
कि बात स्वीकार करके सरकार ने आपका रास्ता साफ कर दिया है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और वो भी ऑब्जेक्टिव। मैं आपके दिल में हूँ, आप दिल से निकाल कर फेंक दिए, मैं उस समय तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा साथ नहीं छोड़ दीजिएगा। मैं आपके साथ था, साथ हूँ, साथ रहूंगा। रही हक की लड़ाई तो जीत हमारी होगी और पिटिशनर जो बन रहे हैं वो बने, पिटिशनर जरूर बने, जरूर बने, और जो छूट जा रहे हैं वो भी आए, क्योंकि पीछे से पिटिशनर बनता है लोग, और हम जानते हैं कि बनता है, अच्छी तरह जानते हैं, कानूनी तौर पर जानते हैं। आप भी किसी वकील से पूछ सकते हैं कि पिटिशनर जुटते जाता है, पिटिशनर जुटता रहता है, लेकिन पहला उद्देश्य है रीट करना, वो रीट होना चाहिए और रीट कल हो रहा है, सब तैयारी सारा व्यवस्था कनेक्ट हो गया। केस ऐसा नहीं होता कि केस हम लोग किसी चरवाहे से नहीं लड़ रहे हैं कि केस हम लोग तरफ से केस कर दिए और केस हो गया, ये केस लड़ रहे हैं हम लोग व्यवस्था के विरुद्ध, और व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए ये जरूरी होती है कि पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी कूटनीति के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे विवेक के साथ, पूरे सहयोग के साथ हम लोग लड़े। ये जीत तय है और जीत तय होने के लिए आवश्यक है कि हम एक साथ मुट्ठी से मुट्ठी मिलाकर लड़े। जब तक एक नहीं हम होंगे तब तक हम हिलाता रहेगा, और धीरे धीरे मैं पहले भी कहता था कि अगर 440,000 में 440,000 ना सही, 1,00,000 ही अगर आ गया तो हम ईट से ईट बात का लेकर सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इसलिए हमारे हक के हक में फैसला हो, यही हमारा उद्देश्य है, और सबके सब आप लोग जुड़िए। तो पूरे वीडियो क्लिप देखने के बाद आप लोग समझ पा रहे होंगे स्थिति क्या है। तो आप तमाम छात्रों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम युवाओं तक, तमाम छात्रों तक ये पहुंचे। तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत, आप लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, ताकि ये एक आंदोलन के रूप में, एक संघर्ष के रूप में, एक सफलता को हासिल करने में सक्षम हो पाए। तो इसी इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगले अपडेट में। बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यूटी बनाए रखिए हमारे चैनल पे, ताकि आप लोगों को तमाम अपडेट लेकर के आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।